ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आपके साथ मैं हूं खुशबू शर्मा और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नागपाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली दर्पण टीवी पर। सर, सबसे पहले जानना चाहूंगी आपसे कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले ऐसे कौन सी सौगातें होंगी जो आप वजीरपुर विधानसभा की जनता को देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा कि मेरा ये 7वां इलेक्शन है जी, और बार बार लोग मुझे तभी जितवाते हैं अगर मैं कुछ करता हूँ। काम किया है, काम को और आगे बढ़ाऊंगा। मेरा प्रयास, हर क्षेत्र में विकास, मेरी शक्ति, आपका आशीर्वाद, इसी चीज़ को लेकर मैं हमेशा जनता के बीच गया हूँ। वो जनता को मुझ पे विश्वास है, मुझे जनता पे विश्वास है। आपने कहा कि आप जीतेंगे, मैं सब बिल्कुल ही मैं जीतूँगा, लेकिन मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहता, क्योंकि मुझे मेरे कार्यकर्ता इस समय जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, मैं उनकी बदौलत जीतूँगा। और वो मेहनत कर रहे हैं तो मैं उस मेहनत को कर्ज के रूप में उतारूंगा विकास करके। और यहाँ पर जो दिल्ली के, मैं अशोक नगर के अंदर जो देखता हूँ, वैसे तो मैंने बहुत सारे काम कराए हैं। अगर लोगों से जाके पूछो, केशवपुरम के अंदर जिम बनवाया है, डिस्पेंसरी बनवाई है, बैडमिंटन हॉल बनाया है, टेबल टेनिस हॉल बनाया है, स्विमिंग पूल बनवाया है, 2 कम्युनिटी सेंटर बनवाए हैं। और अगर इधर आ जाओ तो वजीरपुर गाँव के अंदर वहाँ पर कम्युनिटी सेंटर के साथ साथ ऊपर मैंने ऑडिटोरियम बनवाया है जी। और इधर पुल को चौड़ा कराया है मैंने, जो प्रेरणा चौक से हम जाते हैं। अब अजीतपुर जे कॉलोनी में चले जाओ, वहाँ पर मेरे शमशान घाट के अंदर, जैसे मदला खुराना जी ने निगमबोध घाट के अंदर गंगा मिलन का, गंगा जमुना का जो मिलन करके जो सरोवर बनाया था, उसी प्रकार से मैंने भी वजीरपुर जे कॉलोनी के अंदर एक सरोवर बनवाया। आज वजीरपुर जे कॉलोनी के शमशान घाट की स्थिति को आप देखेंगे तो स्वयं हैरान हो जाएंगे कि क्या वजीरपुर जे कॉलोनी में भी ऐसा सरोवर बन सकता है क्या। और उसके साथ मैं उस पुल को भी चौड़ा कराया, वजीरपुर जे कॉलोनी जब निकल के जाते हैं त्रिनगरी तरफ, उस पुल को भी मैंने चौड़ा कराया। और यहाँ पे अगर थोड़े दिन के लिए मैं MLA बना, वहाँ पर जो एरिया है वजीरपुर इंडस्ट्रियल का, सारी पक्की सड़कें बनवा दी, वहाँ पे शौचालय ठीक करा दिए, वहाँ पे नए ट्यूबवेल लगवा दिए, और ये जो रोड है जहाँ पे पानी भरा रहता था उस पूरे रोड को नया बनवा दिया। कोई ऐसी सड़क नहीं थी जो मैंने उस समय ना बनवाई हो। और आज जो विधायक होता है या पार्षद होता है, उसका काम ही विकास करना होता है। मैंने क्षेत्र में विकास किया है। और मैं एक बात अपने प्रतिद्वंदी के बारे में भी कहना चाहता हूँ, आप लोग स्वयं कभी ई रिक्शा या रिक्शा से फारनगर पे या शालीमार मार्ग पे खड़े होकर पूछ लीजिए कि महेंद्र नागपाल के घर जाना चाहते हैं हम, और इस तरह विधायक राजेश गुप्ता के बारे में पूछ लीजिए, आपको 10 में से 5 लोग बता देंगे कि मेरा घर कहाँ पर है। और वहाँ पर अगर राजेश गुप्ता का घर पूछेंगे, एक भी विधायक का घर नहीं जानता जी। सर, आप यहाँ पर विधायक रहे हैं, निगम पार्षद रहे हैं, आप लोगों के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में, अभी भी जैसे आप जनसंपर्क करते हैं, सभाएं करते हैं, तो कौन सी ऐसी मुख्य समस्याएं हैं वजीरपुर की जनता की जिससे जनता जूझ रही है? देखो, वजीरपुर जे कॉलोनी के अंदर गंदा पानी आ रहा है। बाजार से एक जार खरीदते हैं 30 रुपये का, एक महीने का 900 रुपये का पानी भर जाता है। मेरी बहन वहाँ पर मोटर चलाती है, 300 रुपये की बिजली उस पर लग जाती है, 1200 की ये चोट पड़ती है। गंदा पानी पीने से बीमार पड़ते हैं तो 500 रुपये डॉक्टर को भी देना पड़ता है। हर आदमी इससे पीड़ित है। अगर मध्यम वर्ग का है तो उसने घर में RO वाटर लगा रखा है, RO वाटर की सर्विस भी होती है और कितना खर्चा पड़ता है, दिन रात उसके अंदर बिजली यूज होती है। अब वो जो बात चली है फ्री वाली, 4.5 साल तक इन्होंने कह दिया मोदी हमें काम नहीं करने देते जी। और अब कहते अच्छे बीते 5 साल, लगे रहो केजरीवाल, तुम्हारे अगर अच्छे साल बीते हैं तो कैसे बीते, फिर तुम्हें काम ही नहीं करने दिया उन्होंने, कहते अब हम काम कर रहे हैं, फिर तुम्हें फ्री में देने की क्या जरूरत पड़ गई है, यानी कि तुम्हारी ज़मीन खिसक चुकी है और तुम जो है लोगों को फिर गुमराह करने जा रहे हो। लेकिन लोग आपकी बातों में आने वाले नहीं है। काट की अंडी एक बार पकती है, बार बार नहीं पक सकती। और वो जो समस्या है गंदे पानी के अलावा, गरीब औरतों की, विधवाओं की, बुजुर्गों की और विकलांगों की पेंशन को रोक दिया है। पेंशन के लिए लोग धक्के खा रहे हैं। मैं जब जीतूंगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पहले भी जब मेरे को याद है मैं उनको फल भी बांटता था, उनके पैर भी छूता था, और मेरा कैंप वहाँ पे चाय का और पानी का स्टॉल बना होता था। गरीब लोग मेरे घर पे चल के आए हैं या मैंने कहीं स्थान पे वो रखा है, इनका मैं आशीर्वाद भी लूँ और मैं इनको जो है पेंशन भी दूँ। सर, जैसे कि आपने यहाँ पर सुविधाएं को फ्री करने की बात की, जैसे कि अब केजरीवाल जी ने, अभी मौजूदा सरकार ने बसों में महिलाओं का सफ़र फ्री कर दिया, उसके बाद उन्होंने ये भी प्रस्ताव रखा कि मेट्रो में भी फ्री किया जाएगा, और अब ये भी कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद छात्रों के लिए भी सफ़र फ्री कर दिया जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि ये सभी जो चीज़ें हैं ये जनता को गुमराह करने के लिए हैं? देखिए, ऐसा है, मैं कभी कभी हैरान होता हूँ, कोई आदमी आता है मेरे घर के बाहर खंभा लग गया जी, अरे विधायक का काम है लाइट देना,
विधायक का काम है सुविधा देना, पेंशन देना। अगर इन्होंने किया है या थोड़े दिन के लिए इन्होंने ड्रामेबाजी करनी शुरू की है, हम करके दिखाएंगे। किया है ना मोदी जी ने, जहाँ झुकी वही मकान। किया है ना मोदी जी ने गरीब लोगों को जो है 5 लाख रुपये का इलाज आयुष्मान योजना का। किया है ना लोगों को गाँव के अंदर, देखिए आप वहाँ पे 12,500 रुपये शौचालय के दिए हैं और 1,25,000 रुपये पक्की छत के दिए हैं जनधन योजना में, और गरीब किसानों को 6,000 रुपये हर साल उनके अकाउंट में जा रहा है। हम करके दिखाएंगे, हम कैसे नहीं देंगे फ्री, हम कैसे बिजली क्यों नहीं फ्री करेंगे, हम पानी कैसे देंगे। 22 साल से हम सत्ता में नहीं है, अब हम आएंगे तो हम भी समय बदल चुका है, लोगों को सुविधाएं देनी है उनको कितने में। मैं तो ये चाहूँगा मेरा पहले हर गरीब को 10,000 रुपये 15 रुपये उसके अकाउंट में डाल दे, वो चाहे दूध खरीदे, चाय खरीदे या सब्जी खरीदे। सुविधा ऐसे होती है, यानी कि वो धक्के खाता है यतीमों की तरह, मेरे को ये दे दो मेरे को वो दे दे, ऐसा नहीं। हम ऐसा करके दिखाएंगे। मैं अपनी पार्टी के अंदर सीनियर माना जाता हूँ तो मैंने बहुत सारे सुझाव दिए हैं। एक सुझाव मैंने और भी दिया है, हमारे थ्री व्हीलर चलाने वाले भाई जो होते हैं या ई रिक्शा चलाने वाले भाई होते हैं, एक पीरियड ख़त्म होने के बाद उनका जो है सड़क से, जैसे हमारी गाड़ी होती है 15 साल बैठ जाती है उनकी रहती है, 15 साल के बाद उनको जो है 50% सब्सिडी मिलनी चाहिए ताकि वो नया थ्री व्हीलर खरीद पाए, या उसे एक ई रिक्शा दे दिया जाए ताकि उसे सरकार ने कुछ दिया है। ये सोच लेकर जो है मैं अपनी पार्टी के अंदर ये सुझाव रखूँगा, और हमारा जब घोषणा पत्र आने वाला है उसके अंदर आपको ऐसे नई चीज़ें कई मिलेंगी जिसके अंदर लोगों को आशा थी, उसके अनुसार हम काम करेंगे। सर एक बात और भी है कि जब भी विपक्षी पार्टियों से बातचीत होती है तो हमेशा विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर ये आरोप लगाती रहती हैं कि हमेशा बीजेपी विकास के नाम पर नहीं बल्कि मोदी जी के नाम पर वोट मांगती है, और दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा बीजेपी धर्म के नाम पर जो है राजनीति करती है, इसके बारे में देखो हमारे विकास पुरुष हैं मोदी जी, तो मोदी जी के नाम के ऊपर क्यों नहीं मांगे। हमारे आज मुख्यमंत्री होते दिल्ली के तो हम उनके नाम से मांगते जी। मोदी जी दोबारा क्यों जीते हैं, विकास पुरुष तो माने जाते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेकर ही आगे बढ़े, लोगों ने विश्वास जताया उनके अंदर, तो हम मोदी जी को कैसे। अब आप आ जाओ जो हमारे पे धर्म की बात करते हैं, धर्म की बात तो ये करने लगे हैं आज वहाँ पे शाही बाग के अंदर जो उन्होंने किया है या इंदर लोग के अंदर कर रहे हैं। परसों भी मेरे जे कॉलोनी के अंदर एक मीडिया वाले आए हुए थे, वहाँ पे इंटरव्यू दोनों पार्टी ले रहे थे, एक कॉमडन ने मोदी को गाली निकाल दी, क्या हम ये बर्दाश्त करेंगे, जो जिसका कोई माई बाप होता है या जो हमारा नेता होता है वो हमारे सबसे बड़ा होता है, उनको अगर ये गाली निकालेंगे तो ये क्या कहना चाहते हैं, इनको क्या तकलीफ है। आज 3 तलाक का मामला हो, आज 370 धारा का मामला हो, आज राम जन्मभूमि का मामला हो, हमारे स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। आज केजरीवाल क्यों नहीं कहते वहाँ पे जाके कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, क्यों नहीं मुख्यमंत्री होने के बाद भी जिम्मेवारी, वैसे तो हर जगह पे चले जाते हैं, मैं यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाके रखे ना अपनी बात को, लेकिन वहाँ पे बात को पलट देंगे, लोग सब समझ रहे हैं जी। सर आप डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो किस तरीके से आपको लोगों का प्यार और समर्थन मिल रहा है यहाँ पर वजीरपुर विधानसभा में। आज ही मैं बता रहा हूँ, मैं पुलिस क्वार्टर में था, मेरे साथी ने हैंडबिल दिया, तो मोदी की फोटो देखती है, एक बुढ़िया थी, ये तो मेरे दिल में रहता है मोदी जी को देख के, बेटा इसको नहीं देंगे तो अपने देश को नहीं बचाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और जब हम जाते हैं तो उनका चेहरा बोलता है, मुस्कुरा रहा है या क्या है, हर आदमी अपना सिर पे हाथ रखता है, बेटा तेरे को यहाँ आने की क्या जरूरत है, तेरे को हम जानते नहीं हैं, तूने कितना काम किया है, इस बार ऐसा नहीं होगा जो पिछली बार हुआ, एक बार गलती हुई है कुछ लोगों से, अब दोबारा नहीं होने वाली। और मोदी जी के प्रति लोगों का जो प्यार स्नेह है, हमें तो लगता है कि हमें तो इस ऐसे व्यक्ति के लिए रोज प्रार्थना करनी चाहिए, ईश्वर इनको लंबा जीवन दे ताकि ये जनता के साथ जिस प्रकार से जुड़े हुए हैं। कल तक हमारी पार्टी को अमीरों की पार्टी कहते थे, लालाओं की पार्टी कहते थे, बनियों की पार्टी कहते थे, आज लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर चिंता करते हैं मोदी जी तो गरीबों की चिंता करते हैं, दलितों की चिंता करते हैं और छोटे समाज की चिंता करते हैं। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी मैं, दिल्ली दर्पण टीवी के माध्यम से वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से, कि आखिरकार कोई डॉक्टर महेंद्र नागपाल को क्यों चुने इस बार, बीजेपी को क्यों चुने। कुछ लोग मुझे अपना बेटा मानते हैं, कुछ लोग मुझे साथी मानते हैं, कुछ लोग मुझे भाई मानते हैं, और इनके हर सुख दुख के अंदर मैं शामिल होता हूँ, और अब भी मैं जा रहा हूँ हंसी मजाक में कहता हूँ मैं हर बार आपसे वोट मांगने आ जाता हूँ, वोट तो नहीं हो गए, नहीं 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 बेटा क्या बात है, अपने हक के साथ कहता हूँ ये बात, मैं वो नहीं हूँ आपके यारो माफ़ करना मैं नशे में था, मैं छाती ठोक के जाऊँगा कि ये वोट का अधिकार मेरा है क्योंकि मैंने क्षेत्र में काम किया है, मैंने क्षेत्र में सेवा की है और ये मुझे मौका मिलना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है आज से 10 दिन पहले और आज के अंदर लोग कहने लगे हैं हाँ कुछ भी है महेंद्र नागपाल ने चुनाव को कहाँ से कहाँ ला के खड़ा कर दिया, ये मैंने नहीं किया,
ये यहाँ मेरी प्यारी जनता, वहाँ के गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले, रिक्शे वाले लोग, उनके मन के अंदर है कि हमारा कोई अपना आदमी आ रहा है जिसके पास हम जाएंगे, हमारी बात को सुनेगा। और मैं ये समझ सकता हूँ कि पहले जैसे लोगों ने मुझे विजयश्री दिलाई है, और विजयश्री मुझे एक बार फिर से मिलेगी। 8 तारीख को 2 नंबर बैलेट मेरा है, और जहाँ मैं रहता हूँ 802 नंबर मेरा, भाई चाहे किस्मत देखो कैसे बन रही है, 802 नंबर मेरा वोटर नंबर है जी। और 8-2 को ही लोगों ने वोट डालना है, 8 तारीख को 2 बजे बैलेट, 2 नंबर बैलेट दबा दें तो मैं अपने आप ही कामयाब हो जाऊंगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे मैंने पहले 5 इलेक्शन जीते हैं, 8वां इलेक्शन है ये मेरा, और एक वोट मुझे चाहिए तो मेरा छक्का लग जाएगा, 6 इलेक्शन मेरे हो जाएंगे। तो मुझे अपनी जनता पे भरोसा है। जब मैंने 3 इलेक्शन लड़े थे तो मैंने कहा था मुझे एक वोट दे दिए मेरा चौका लग जाएगा, तो मेरा चौका लगा। और अब मैं जो है 6ठा इलेक्शन में लड़ रहा हूँ, और 6ठा इलेक्शन जब जीतूंगा तो मेरा छक्का लगेगा। छक्का वो मेरा नहीं होगा, वो मैच जीतने वाला छक्का होगा। और वो जीत के बाद जो मुझे काम करने होंगे, जो मैं फील्डिंग से जाऊँगा अपनी, फिर क्षेत्र के अंदर मैं काम कर जाऊँगा, कहाँ मुझे नालियाँ ठीक करनी है, कहाँ मुझे पार्क ठीक करने हैं, कहाँ मुझे लाइट ठीक करनी है, कहाँ मुझे मंत्री बनानी है, कहाँ मुझे लाइब्रेरी बनानी है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को देख के आओ, यहाँ पे जो अशोक घर के अंदर बनी है, पूरे नॉर्थ में नहीं मिलेगी, आप देख के हैरान हो। उसके लिए मैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का मेंबर था, उस काम को भी मैंने सिरे चढ़ाया, आज उसका परिणाम है। यहाँ पे हजारों की संख्या में स्टूडेंट आते हैं और उस काम को देख रहे हैं। अगला जो मेरा टारगेट है, यहाँ पे लक्ष्मी काले के सामने मैं एक क्लब बनाने की सोच रहा हूँ। वो क्लब किस लिए होगा, उस क्लब के पीछे ये होगा कि मेरे इस अशोक विहार के अंदर ना कोई मॉल है, ना कोई सिनेमा हॉल है, ना कोई क्लब है। बाकी रोशन अरब में है, पीतमपुरा में है, शालीमार में है, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं है। मैंने वो लैंड यूज चेंज करने के लिए एक रिक्वेस्ट DDA को दे दिया है, उन्होंने मेरे ऊपर सहमति भी जारी की है कि हम आपका ये काम कराएंगे। वो तो मेरी सरकार गिर गई तो मैं रह गया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय के अंदर सबसे प्राथमिकता मेरी यहाँ पे क्लब बनाने के लिए होगी। गरीब लोगों की लड़ाई तो मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा, लेकिन जो अशोक विहार के लोग हैं उनके लिए भी मैंने ये काम आगे बढ़ा दिया है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली दर्पण टीवी से बातचीत करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर महेंद्र नागपाल जी, जिन्होंने कहा है कि वो उन्होंने काम किया है और आगे भी काम करेंगे, जनसेवा करते रहेंगे, और उन्हें पूरा भरोसा है कि वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता उन्हें दोबारा से मौका देगी। कैमरा पर्सन तनवीर के साथ खुशबू शर्मा, दिल्ली दर्पण टीवी।